नमस्कार। आज इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। डिप्रेशन एक ऐसे रोग लक्षणों का समूह है जो सामान्य उदासी अथवा दुख से कहीं अधिक मायूस मनोदशा को दर्शाता है। इसमें केवल नकारात्मक सोच, मनोदशा अथवा व्यवहार में ही परिवर्तन नहीं आता है, साथ ही साथ में इंसान के शारीरिक क्रियाकलापों में भी परिवर्तन आता है, जैसे कि खान पान, नींद, इंसान की दिनचर्या, ये चीज़ें भी प्रभावित होती हैं और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे कि इंसान डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है। सामान्यतः 10 में से एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में इस डिप्रेशन के दौर से गुजरना पड़ता है। जिस लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है उनमें 10 में से एक व्यक्ति प्रायः कभी ना कभी आत्महत्या के रूप में घातक बीमारी का दौर से गुजरना पड़ता है और कई बार लोग आत्महत्या की तरफ अपने कदम बढ़ा भी देते हैं। डिप्रेशन के होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, और जैसे कि यह आनुवांशिक हो सकता है। अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन की बीमारी है तो परिवार का सदस्य में अत्यधिक तनाव के कारण वो बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ में अगर किसी कोई इंसान अत्यधिक तनाव से बहुत लंबे समय से गुजर रहा है तो वह भी डिप्रेशन की चपेट में आ सकता है। इसके अलावा कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जो कि इंसान को अगर लंबे समय तक ना मिले तो वह भी किसी न किसी प्रकार के शारीरिक रोग से डिप्रेशन की चपेट में आ सकता है। यह कुछ मुख्य कारण होते हैं इंसान के डिप्रेशन की चपेट में आने के। अब अगर इंसान को डिप्रेशन की बीमारी हो तो हमें उसे कैसे पहचानना है, यह बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी शरीर के कुछ मुख्य क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, जैसे कि इंसान की नींद खराब हो जाती है, अत्यधिक नींद आना या फिर बहुत कम समय नींद आना, भूख नहीं लगना, अत्यधिक भूख लगना, साथ ही साथ में इंसान को लोगों से बात करने का दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है, अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाहटपन होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उनकी रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित होने लगता है, फिर वो अकेले रहते हैं और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। और कई बार अगर उनका समय पर उचित इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। ये लक्षण पहचानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें कभी भी दिखाई पड़ता है, समझ में आता है कि हमारे परिवारजन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार को इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दें, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उनकी रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित होने लगता है, फिर वो अकेले रहते हैं और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं, और कई बार अगर उनका समय पर उचित इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। ये लक्षण पहचानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें कभी भी दिखाई पड़ता है, समझ में आता है कि हमारे परिवारजन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार को इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दें, तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, हम उनके साथ बैठें, आराम से बात करें, उनकी परेशानी समझने की कोशिश करें, और हमें लगता है, ज़रूरत लगती है तो एक उचित समय पर मनोचिकित्सक से सलाह ज़रूर लें, ताकि उस बीमारी की समय पर पहचान करके और उसका उचित इलाज किया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक मानसिक बीमारी है, तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि यह जैसे कि कोई शारीरिक बीमारी होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियां भी होती हैं। तो जिस प्रकार से शारीरिक बीमारियों का उचित इलाज उपलब्ध है, तो वैसे ही मानसिक बीमारियों का भी उचित इलाज वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध है। तो अगर इंसान का समय पर उचित तरीके से इलाज किया जाए तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। अब हम बात करें कि भाई डिप्रेशन को ट्रीट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सो मुख्यतः दो तरीके से डिप्रेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। पहला होता है दवाइयाँ, जिसको हम कहते हैं फार्माकोथेरेपी। दूसरा तरीका होता है भाई काउंसलिंग, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं और मेडिकल भाषा में कहते हैं साइकोथेरेपी। तो आजकल के समय में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे कि कम समय में ही डिप्रेशन के पेशेंट में हम काफ़ी परिवर्तन देख सकते हैं और वो अपने सामान्य जीवन को फिर से जी सकता है। साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध कराई गई तकनीक हैं, जिसके माध्यम से पेशेंट को डिप्रेशन की लक्षणों से उचित समय पे
इलाज मिलके वो उससे बाहर आ सकता है। और अगर ये दोनों तकनीकें हम साथ में यूज करते हैं, जहाँ जैसी जरूरत है, तो उससे बहुत जल्दी फर्क दिखाई देता है पेशेंट में और वो अपना सामान्य जीवन जी पाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी शारीरिक बीमारी होती है, उसी प्रकार से मानसिक बीमारियां भी होती हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण है और उसी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से इलाज किया जाता है। हम इन बीमारियों को एक लांछित ना करें, किसी भी मरीज को जिसको यह मानसिक बीमारी है उसको लांछित ना करें और उसका उचित समय पर इलाज करवाएं, ताकि वो अपना सामान्य जीवन जी पाए। धन्यवाद।